भाई पल में बिगड़े बणी बनाई। सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम किसा भरम। सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम भाई किसा भरम। कितना भाईया सारी कहानी छपी छपाई सारी कहानी छपी छपाई। जब वक्त पड़े लाके करड़ाई चले उसके आगे किसकी रे भाई चले नहीं रे किसे की भाई। किसका साथ से कितना भाई सारी कहानी छपी छपाई। जब वक्त पड़े लाके करड़ाई अरे दलीप है? दलीप भाई, अरे बधाई हो दलीप भाई, बधाई। आजा भाई रणजीत। अरे क्या मैं ढीला बोला दलीप? अरे घर में लक्ष्मी आ रही। अरे तू कि छोरे छोरी का फर्क तो नहीं मान गया भाई। रणजीत मैंने दुख इस बात का नहीं सर, अब मेरे दूसरी छोरी होगी, पर अफसोस इस बात का से मेरे भाई अक पारो ही भाग गए, माँ नहीं बन सकती। अरवंश चलाउंता ही एक छोरा तो चाहिए मेरे भाई, एक छोरा तो चाहिए। सब कर्मा दर्बियों से दलीप, कमजोर बात नहीं कराया करते। अरे आजकल छोरी किस क्षेत्र में पाछे रह रही है मेरे भाई? अपनिया ने पढ़ा लिखा कामयाब बना। बात तो तू ठीक कैसे रणजीत, बात तो तू सोड़ा ने ठीक कैसे। छोरी आजकल क्या हमें भी पाछे ना रह रही, मैं अपनी छोरिया इन्हें पढ़ाऊंगा, उन्हें पे जोर लाऊंगा। शाबाश, ये हुई ना बात, चल इन खेत में चल लाएंगे। चल एक बात से दलीप। हाँ भाई। राम जी टाइम पे दो दो आंगल कर देना। हाँ। गुजारा हो जाए मेरे यार। अरे गुजारा क्यों, चोखा नाज हो पाछे ठाठ हो जाएंगे भाई। अरे करण करण की ज्ञान भाई? ज्ञान के भाई, मैं तो न्यू सोचू सू पढ़ाई छोड़ के छोटी मोटी नौकरी कर लू। अरे की बात करण, समस्या बता। समस्या तो यह है भाई, कॉलेज में पढ़ने ताई चाहिए फीस, और घर के हालात तुमने बेरा से। अरे जब फीस की इतनी बड़ी बात करण है। रे तेरे दो दो भाई से इब्बे, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, तेरी पढ़ाई का खर्चा हम दोनों मिलकर उठावांगे। और एक दो साल की बात से पढ़ाई पूरी होए पीछे कितने सरकारी नौकरी लाग जाएगा मेरे यार, किसी बात करे से यार। भाई तुमने यह बात कह के बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थारा छोटा भाई किसे लायक बन गया तो तुमने किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। अरे बावड़े, सब भगवान भली करेंगे। राम राम सेठ धनी राम जी। राम राम। ओ रणजीत, राम राम भाई, आजा बैठ। और ठीक ठाक? हाँ बढ़िया, आज बढ़िया दिना में दिखा भाई, घने दिना में याद आया सेठ धनी राम। और सुना ठीक ठाक? ठीक ठाक सेठ जी। चोर है तेरे काका खातर चा लेके आये कॉपी। हाँ बढ़िया दिना में आया जे सेठ जी, साथ है एक छोटा सा काम आया था आप दो रहे। क्या काम आ गया रणजीत? टाइम चल रहा था थोड़ा सा खराब, ये थोड़े से गहने से, इब्बा आप इन गहना रख लो, जब पैसा का इंजाम हो जाएगा
आपके दे जाऊंगा और अपने अंठा ले जाऊंगा। तुम कह रहे थे रणजीत, जब तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो ये लैंड की क्या जरूरत थी? पैसे तो मैं तुम्हें न्यू दे देता, रही चौधरी की तुम लैंड की क्या जरूरत थी? ईसा से सेठ जी हमने बेरा से मारा, सेठ बहुत बड़ी आदमी से, पर वो न्यू क्या करे ना, घोड़ा घास तैयारी करेगा तो फिर खाओगा की? इन रख लो, फसल बेच के आपके पैसे दे जाऊंगा और अपनी टुम्बा ने ठा ले जाऊंगा। ले वाह, बात तो तेरी ठीक से, अरे बाकी तेरी चीज और की जगह की लू नहीं मैं मूल पे। शेर जी आपके बारे में सब जाने, साहब बड़े व्यवहारी आदमी सो, बड़े बढ़िया सो। रखू जू ना मैं रखू नहीं, और ना बाकी और की जगह के मजाल मठनी भी ना जुनू गण दे गांव में बने के बता। हाँ अपना आदमी से तू, अरे ये बात पैसे की भाई हो तो व्यवहार से चलता ही रह भाई, पैसे का मामला से रणजीत। हाँ और कोई होता हम क्या नहीं दिया, गणे आवे से ये ले पकड़े। कितने सेठ जी? तेरी टूम थी उन तक के मैंने के मैं ज्यादा दिए से मैंने। चलो ठीक से सेठ जी। अच्छा भाई, चलो सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े टाइम पे साथ दिया आपने। अरे देखिए आपका पैसा भी आपका सूत भी, कति टाइम पे पहुंचाऊंगा। अच्छा राम राम सेठ, राम राम भाई, राम राम। रे के कर रही है भगवान? आगे जी आप बैठो, आप ती पानी लाऊं सू। रे छोड़ दू पानी पात न, बैठ तेरे तक मैं बात करनी से। और के रहा? रहा के बाणिए के ते मैं होया या। हाँ। ले पकड़ पैसे, पर मन नहीं लागता इतने पैसा में हम तोनू काम कर पावांगे। बैल भी लेना जरूरी से, और छोरे का किसी बढ़िया स्कूल में दाखला भी करवाना जरूरी से। देखे मारा टाइम इब ठीक नहीं चल रहा, दीपक का दाखला तो अगले साल भी करवा लेंगे, पर बैल खरीदना तो जरूरी से, लोग अंत बाबो भी लिए। किसी बात करे से बावली, मारी जिंदगी का एक का मकसद से अपने बालक ने कामयाब करना। हम इस माटी में माटी हो गए, अपने बालक की रे माटी नहीं हो जाएंगे। हर कीमत पर मैं अपने बालक का दाखला इससे साल करवाऊंगा, मैं उसका साल खराब नहीं कर सकता। ठीक से जिसा तुमने सोचा ठीक का सोचा होगा, जिसमें आपकी खुशी उस समय मेरी खुशी, ईब तरो टिलियाऊ मैं थारी खातर। अरे के कर रही सब भगवान, जल्दी तो छोरे तैयार कर दे, देख बस का टाइम हो लिया, इसके बाद बस 12 बजेगी से, और बस लेकर गिना तो चाड़ा हो जाएगा। बापू से कह देना कि मन्ने स्कूल में ना भेजे। चाहूं तो मैं भी नू वैसू, पर तन अपने बाबू के अरमान भी तो पूरे करने से। मां अरमान के हो हैं? की मैं तने क्यों कर समझाऊं, तन बड़ा होकर बड़ा अफसर बनना से। मां अफसर तो मैं वो भी बन जाऊंगा। पर बेटा अफसर बनने के लिए पढ़ना भी तो पड़ा से, और पढ़न तई तने बड़े स्कूल में जाना पड़ेगा जब तक तू अफसर बनेगा। दीपक की माँ तावल कर, बस का टाइम हो लिया। हाँ हूँ जी। चल बेटा, तेरा बाबू बाट देख लाग रहा है। आ जा मेरे बेटे, चल तने स्कूल छोड़ का हूँ। पारो बालका के भागते इबके ने भगवान ने नाज अच्छा दे दिया। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, अरे काम करो अब के बल्दू की जोड़ी ले लो। हाँ भगवान ने चाही ते यो सपना भी इबके ने पूरा होगा। मैंने सोच रहा था अक कल रणजीत जागा मंडी में नाज लेकर, और गांव की दो तीन गाड़ी और भी जाएंगी, मैं भी कल बोल धाकर गाड़ी का इंतजाम करके नाज ने घेर आऊं। अरे ये तो तुमने ठीक सोची, दो पैसे किसी के वे भी उतर जाएंगे और बालकों की फीस भी भरी जाएगी। बस तो फिर इब तू तकाजे जागे सो जा, और तड़के बखता बखत उठ के मेरी रोटी बांध दिए। ठीक है। लिया भाई दीपक की माँ,
रोटी सोटी दे तावली सी, लेकिन गाड़ी जुड़ी खड़ी से। ओहो बुरा सूरा। लो जी के बात से आज रगम गीवी डोला तोड़न हो रहा है, के बात भगवान। तन्ने याद से तन्ने एक वादा करया था। अरे दाऊ याद से सूट की बात कर रही है ना। अरे इतने कसूते थान में पड़वा के लाऊंगा, ऐसा लाऊंगा जैसे पुरानी फिल्मों में मुमताज पैरा करती। मन्ने ना चाहिए मुमताज सुमताज जैसा, मन्ने तो ईसा चाहिए जैसा काशी के ब्याह में मांगे की बहू ने पैरा था, चिट्टा आला और दिखे उसे रंग की चूड़ी भी लाइए। अरे तू चिट्टा आला ले, और चूड़ी के बात करे है चूड़ी लाऊंगा तेरे ताई फिरोजाबाद की कती एक नंबर। लो एक रोटी और लो। बस कती नहीं भाई, रोटी कती नहीं, आज तो इतनी खाली मेरे ख्याल में तो सांस ताई जरूरत नहीं। और बता दे बड़े के मोर को एक फरमाइश होता है ना, आज तो पैसे सही से आऊंगे गोज में ना, मन और कुछ ना चाहिए और दिखे अपने ताई भी कुछ ले आइए। मेरी चिंता तू कती मना करे, ठीक से ना मैं अपने आप ले आऊंगा। अच्छा मैं चालू हूँ, ठीक से? ठीक से। अच्छा फेर बोरी रेठा के छोड़ा झंडी, हो पूरे साल की घाल कमाई, पूरे साल की घाल कमाई, चलिया शहर की मंडी। जमींदार चलिया रे, हो जमींदार चलिया रे, जमींदार चलिया रे, हो जमींदार चलिया रे, जमींदार चल्या रे।
तेल बड़ा महंगा चाह की बोतल कित की रेवड़ी सूट गोरी कह रह गया के बोलेगी घर ने शानी जो पाट देख री ठाटी ओ जमींदार चला जमींदार चला रे करके खाली गाड़ी जमींदार चला ए ताई रे के बात होगी क्यों गला पाड़ रहा है वो आ गया माँ हे माँ मैं आ गया दीपक हाय मेरे लाल अरे कितना बड़ा हो गया तू अरे यूं के हाल बना रखा है पूरे तेने कुछ खाया नहीं तू तो बिल्कुल कमजोर हो गया रे माँ हॉस्टल में तेरे हाथ की रोटी ना मिली थी ना जहाँ तक कमजोर हो गया मैं तू बैठ मैं तेरे खाते कुछ लेके आऊं रे दीपक नमस्ते पिताजी रे तू कद आया मेरे चांद रे श्यामा से देगी निर्मला शहर में रहेगा थोड़ा कति सहरिया जी सा दिखने लग गया कति बबुआ सा अच्छा तो ये तेरे काम से 24 घंटे मट्टी में सांधे रहे हाथा ने जा पानी लेगा मुंह दवा छोड़ेगा मुंह खराब कर दिया आते ही और बेटा ठीक ठाक हाँ बाबूजी और पढ़ाई की सुना बेटा किसे को हो गए तेरे पेपर पिताजी पन्ने पर तो बढ़िया हो गए बाकी तो रिजल्ट आए पछे बेरा लगेगा इसी बात कर रहे मेरा बेटा लाखा में एक से मेरे बेटे के इतने नंबर आओगे इतने शेर जी राम राम ओ रणजीत राम राम भाई आजा बैठ और शेर जी और रणजीत ठीक ठाक भाई ठीक कैसा शेर जी इजे मरे मन ते ठीक क्यों कैसे भाई कि मैं परेशान सा दिखे जगह में के बताऊं शेर जी परेशानी भी से और खुशी की बात भी से खुशी की बात या से कि थारा छोरा पूरे जिले में फर्स्ट आया से और परेशानी या से शेर जी कि उसका दाखिला करवाना चाहूं किसी बहुत अच्छे कॉलेज में और उसके ताई चाहिए पैसे और पैसे रे के माड़ी माड़ी बात करने लाग रहा है रणजीत रे पैसे के ऊपर छोरी ने डबो होगा कची रे पैसे यो सेठ धनी राम क्या ताई बैठा से ए सेठ जी पैसे तो चाहिए से पर धरण ताई ना कुछ ए जमीन जरूर से तू कवे तो पटवारी दो कागज ले दू या तो घनी माड़ी बात कह दी तेने रणजीत रे हम ते तोरे फरद लेंगे रे मारा थारा 40 साल पुराना व्यवहार रे आज तूने कहे फरद दे दू किसी बावली बावली बात करने लाग रहा जे टोरा टोरा एक नंबर का टोरा जिन 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 वाओ कॉलेज तो एक नंबर का है यार कई बात नहीं अपन भी एक नंबर का है क्या जिक 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट हाँ
ए मैं हाँ तू इधर आ फर्स्ट डे जी हाँ नया है तू तो गया है ओए ऊपर देख भाई को नहीं जानता ना अरे जान गया भाई पीएसपीओ 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 ओए क्या मतलब है तेरा अरे मेरा मतलब है यार पुराने से पुराना उस्ताद गुड इंटेलिजेंट तुम एक काम करो उस लड़की को जाकर फूल देकर आओ अर्सन उसे भी ओए उस लड़की को भी फूल देकर आओ Excuse me. Oh, hi handsome. Hi. वो क्या है कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, मिस टीना. टीना. इन खूबसूरत से लहलाते बालों में अगर ये गुलाब का फूल लग जाए ना तो आपकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी. Oh, really? Yes. तो लगा दो अपने हाथों से. बस. Thank you. क्या मैं फूल वाले हैंसम का नाम जान सकती हूँ जी बंदे को दीपक कहते हैं ओ दीपक जी तो आज शाम को आप क्या कर रहे हैं आज शाम को मेरे मामा की बहन की मौसी की बेटी की शादी नहीं बर्थडे है तो आज मैं वहाँ बिजी हूँ मैं आपसे कल मिलूंगा ओके बाय ओ फूल वाले हैंसम अपना फोन नंबर तो देता जा बोलो ना कल कमाल है यार जिस लड़की टीना ने मैक्स के थोबड़े का फर्नीचर एक ही थप्पड़ में हिला दिया था उस टीना ने इस लड़के के हाथों अपने बालों में फूल लगवा लिया देखिए भाई ये तो जादूगर है काफी खूबसूरत गार्डन है काफी सुंदर सुंदर फूल पौधे लगे हुए हैं ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सारी मेहनत कॉलेज के गार्डन को बनाने में लगा दी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मगर कुछ कमी है अब क्या कमी है वो ये कि चलिए छोड़िए आपको ही देखिए आपकी आंखें आपके गाल आपके होंठ आपके बाल आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या मेरा मतलब है कि ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने संगमरमर की इमारत मेरे सामने खड़ी कर दी हो ओह माय गॉड मेरी इतनी तारीफ आज तक किसी ने नहीं थैंक यू सो मच माय प्लेजर मगर वही कमी क्या आप किसी से प्यार करती हैं नहीं तो नहीं वही तो अगर आप किसी से प्यार करती ना तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते वैसे तो चांद एक ही है बाकी के तीन शायरों ने बनाए तो आप शायर भी हैं जी तो शायर साहब आप किस तकल्लुफ से वाकिफ हैं? जी पता चलते ही आपको खबर कर देंगे वैसे आपके लिए मेरे पास ये फूल है थैंक यू यू वेलकम काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हैं आप अजी हम कहाँ इंटरेस्टिंग थे अब हो गए हैं वो कैसे आप जो मिल गई हैं तो आज शाम को बुद्धा गार्डन चले आज शाम को मेरी मामा की मौसी की बहन की बेटी की शादी है तो आज शाम को मैं वहाँ बिजी हूँ तो मंडे को हाँ मंडे को पक्का
ये तो जादूगर है, इसने तो कमाल कर दिया। अरे अभी तो कमाल बाकी है, अगर मेरी नीरू डार्लिंग तब बच ज्यादा मान जाऊं इसने। सुनो क्या नहीं यार ऐसे नहीं, अरे यार मैंने कहा तो था यही। हाँ और क्या बयां करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। तुझे बनाने वाले ने खुद पर आजमाए होंगे निराले आपके अंदाज। ओए किसको कह रहा है तू? आए आवाज और खूबसूरती का तालमेल कुछ जचा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज भी होनी चाहिए। नहीं ओए क्या हुआ मेरी आवाज को? जी हुआ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गुस्सा है। अगर आप प्यार से बातें करेंगी तो काफी अच्छा लगेगा हमें। मुझे कोई छेड़े मुझे पसंद नहीं। छी छी, भला किसकी मजाल है जो हमारे होते हुए आपको छेड़ दे। पर अगर कोई आपकी तारीफ करे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। गुड, वेरी गुड। आप जितनी खूबसूरत हैं उतने ही अकलमंद भी हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। थैंक यू, अब मैं जाऊं? प्लीज जरा सुनिए मिस नीरू जी। हाँ जी। ये फूल अगर आप अपने साथ रखेंगी तो आपका दिन हंसी खुशी मुस्कुराते हुए बीत जाएगा, गुस्से से नहीं। थैंक यू। ले भाई दीपक, ये तीनों तो निपट भी गई और पट भी गई, अब वो विक्की भाई का हिसाब किताब रह गया। अबे हट, भाई को बैठने दे यार। वाह दीपक भाई वाह, तुमने कमाल कर दिया। तुम भी बड़ी पहुंची हुई चीज हो, आज से ये लव गुरु भी तुम्हारा फैन हो गया। इसी बात पर मिला ले हाथ। अरे मिला ले, बहुत कम लोग हैं दुनिया में दीपक जिन्होंने विक्की से हाथ मिलाया है। अच्छा दीपक भाई एक बात बताओ, तुमने एक कमाल किया कैसे? सो सिंपल यार, साइकोलॉजी। यस साइकोलॉजी, पहले लड़की की फिजिक्स को अपनी आंखों की जूम लेंस से नीचे से लेकर ऊपर तक टेस्ट करो, फिर उसकी केमिस्ट्री को अपनी केमिस्ट्री से मैच करवाओ, फिर उसकी साइकोलॉजी को समझकर अपनी साइकोलॉजी के शीशे में उतार लो, फिर चाहो तो उसका बायोलॉजी टेस्ट भी ले सकते हो। अरे वाह यार, तुमने भी कमाल की पटाऊ डिग्री ले रखी है भाई। ये तो आपकी टक्कर का लगता है। मेरे प्यारे बेवकूफ मैक्स, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से की जाती है। दीपक तुम इतना इन लड़कियों के बारे में जान कैसे लेते हो? क्यों ये सब तुम्हें इस लव गुरु ने नहीं बताया? अरे दीपक भाई ये सब बातें मैं इनको बता दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। तो ये सब बातें इनको मैं बता देता हूँ। देखो भाई, लड़की की चाल देखकर उसके स्टेट का, और लड़की के बाल देखकर उसके शहर का, और लड़की के गाल देखकर उसकी कॉलोनी का, और लड़की का हाल देखकर उसके घर का पता चलता है, और लड़की के सैंडल देख के भाई पिटने वाले का पता लगता है। यार हे क्लास, विक्की भाई आया है, जरा चुपके से बैठो। हे छमिया नीचे बैठना। यार कल मेरे साथ एक जबरदस्त हादसा हुआ, बताऊं? कल यार मैं केले वाले की दुकान पे गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है ना, मैंने उससे पूछा भाई केले कैसे दिए, वो बोला बाबूजी 5 रुपए के दो। मैं बोला एक कैसे दिया? बोला एक 3 रुपए का। मैं बोला 3 वाला रख, 2 वाला दे दे। यार क्या हो रहा था भाई? गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मस्ती हो रही थी? नो सर। बेटा मस्ती करूं, लेकिन मस्ती के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। चलो अटेंडेंस बोलो। रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 2। यस सर। रोल नंबर 3। यस सर। रोल नंबर 4। यस सर। रोल नंबर 5। यस सर। रोल नंबर 6। यस सर। पारो ले आवा ना चा। लो जी। ले दे, बैठ जा, तू भी आड़े बैठ के पी ले। मंजू की माँ, देख मंजू की पढ़ाई तो पूरी हो ही ली, भगवान ने चाहा तो रितु भी इबके ने भी ये कर लेगी, अगले साल बीएड करवा के और फिर राम राम चैन। आज मंजू का इंटरव्यू है, ठीक ठाक हो गया तो भगवान की दया से सरकारी स्कूल में नौकरी लग जाएगी। हाँ यह बात भी ठीक कह रही तू। अरे मंजू आ गई तू। माँ मंजू आ गई। माँ आ गया बेटे? हाँ पिताजी। हाँ किसा हो गया पिताजी? बढ़िया हो गया, नौकरी लगने के पूरे पूरे चांस हैं। आखिर बित्ता किचका है? मैं तेरे पिताजी तो यही बात कर रही थी यहाँ बैठी बैठी। और ये मेरी तरफ से 500 और 500 रुपये और लगे। कुछ मूड में आज ताई वाले भाई, वो क्या है ना यार, आज तो पुल का मूड नहीं खुल हो रहा है क्या? आप ये पासे मूड दे बने जाग रहे। दीपक तू बोलता है तो मैं शो करता हूँ। ये ले चाचा 1, ये चाचा 2 और ये चाचा 3। एक मिनट विक्की। पीछे कर यार, अभी मैंने पत्ते शो नहीं करे। ये रहा बाप 1, ये रहा बाप 2 और ये रहा बाप 3। अरे भाई मैंने तो पहले ही कहा था आज अपना मूड कुछ और है। क्या बात है दीपक, लड़कियों की तरह पत्ते भी तुम्हारी उंगलियों पर नाचते हैं। तू कमाल है चाचा। मैंने कहा था ना यार, मैंने कहा था ना यार। आगे जी आप की तो आए बैठो। अरे की तो आया, एक बार डाक खाने ताई गया था। हाँ। दीपक ने के मैं पैसा की जरूरत थी। अच्छा। पर एक बात नहीं समझ में आती मेरे, पिछले हफ्ते तो हमने पैसे भेजे थे, इतना खर्चा मेरे देखे मैं समझ में आता नहीं भाई। किसी बात करो सो जी, मैंने अपने दीपक पे पूरा भरोसा से। इब वो बालक नहीं रह रहा, इब वो कॉलेज में पढ़ा से, और कॉलेज में पढ़ने वाले बालक का खर्चा तो होया ही करे। खर्चा तो हुआ सब भगवान, पर जवान बालक से चिंता भी हो जा से। आप तो खाम खा चिंता करो हो जी, थोड़े दिन में हमारा दीपक पढ़ाई पूरी कर लेगा, फिर तो हमने किससे बात की कमी नहीं रहन दे। यार विकी तू यहां बैठा है? अबे कैसे उदास बैठा है पहलवान? बस ऐसे ही यार, मूड खराब है। अबे मूड खराब होने की कोई वजह भी तो होगी। वजह? शर्त हार गया और शाम को दोस्तों को पार्टी देनी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो है दोस्त, पार्टी के लिए जेब में माल होना भी तो जरूरी है। डोंट वेरी यार, इस बार तेरा काम मैं चला देता हूँ, मेरे घर से पैसे आ गए थे। थैंक्स यार,
तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सोल्व कर दी। मैं तुम्हारे पैसे परसों लौटा दूंगा, पापा पैसे भेजने वाले हैं। अच्छा ये बता, वो तेरी नीरू का क्या रहा? लोहा गरम है यार, बस हथौड़ा मारना बाकी है। तू भी ना यार, मास्टर आदमी है। रोल नंबर 4। यस सर। रोल नंबर 5। यस सर। रोल नंबर 6। राहुल जी। रोल नंबर 7। प्रेजेंट। रोल नंबर 8। यस सर। रोल नंबर 9। गुरुजी। रोल नंबर 10। यस सर। साधन, चुप करके शांति के साथ बैठ जाओ। अरे गुरुजी, शांति तो आज आई नहीं, कहो तो टीना के साथ बैठ जाओ। यार विक्की, गुरुजी कुछ इसे नहीं लगा है, जनो तो भी नहीं पता पीछे तार रखे हो। अरे नहीं, ईसा ना लगता, ईसा लग गया है, जनो गूंद रखने का लोटा है। इसे ना तो देखने में भी टोटा से। सब खड़े हो जाओ। क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया मेरे? क्या मेरे सिंह है? क्या मेरे पूंछ है? सब मानी चाहिए तुम लोगों को। और दीपक तुम भी, तुम्हारे पिताजी ने क्या क्या सपने देखे थे? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जो क्लासरूम में हंसता है वो जिंदगी भर रोता है। स्टुपिड। एक बात मेरी गांठ बांध लो तुम, जो क्लासरूम में हंसते हैं वो जिंदगी भर रोते रह जाते हैं। मास्टर। गुड, वेरी गुड, काफी प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड है तुम्हारा। 10th में 92%, 12th में 89%, फर्स्ट ईयर में 62%, सेकेंड ईयर में 35%। मुझे लगता है फाइनल में तुम्हारे पास होने के भी लाले पड़ेंगे। अच्छा नाम रोशन किया है तुमने अपने माँ बाप का। आए दिन हॉस्टल में झगड़ा करना, शराब पीना, जुआ खेलना, क्या क्या कारनामे नहीं किए तुमने उसे। अपने माँ बाप के सपनों के साथ साथ अपने जीवन को भी मिट्टी में मिला दिया तुमने। ये लो अपने रेस्टिगेशन लेटर्स और दफा हो जाओ यहां से। सर प्लीज सर, मुझे एक मौका दे दो सर। अब जो कुछ भी कहना है अपने माँ बाप से जाके कहना। सर प्लीज। गेट आउट। की कमी रह गई थी हमारी करनी में, जो तने यो दिन दिखाया। किस किस डाला तेरी पढ़ाई का खर्चा पुगाया से हमने। तने एक टाइम का अच्छा खवान ताई तेरे माँ बाप ने 4 टाइम रूखा सूखा खाया। और तने हमारी खून पसीने की कमाई, तने हमारी खून पसीने की कमाई जुए और शराब में उड़ाई। अरे शर्म आनी चाहिए तने, शर्म आनी चाहिए। अपने आप ने संभालो जी, यो तुम्हारे पास लेकर माँ का फल से जो हमने ये भुगतना पड़ रहा है। अरे के सपने देखे थे, सब माटी में मिला दिए। अरे मेरी छोड़, कम से कम अपनी माँ की कैडे देख लेता। इसने तू कामयाब बनाने ताई अपनी एक एक इच्छा का बलिदान दे दिया, सब सपने माटी में मिला दिए तने। छोड़ो जी, जो होना था वो तो हो लिया, ईब तो आगे की सोचो करना के है।
रणजीत। ओ रणजीत। हाँ दलीप। किस सोच में डूब गया भाई? किस सोच से भाई दलीप? जिसके सारे सपने टूट जाए, जिसकी औलाद इसी लकड़ा हुए, वो के सोच सके से? देखे घनी बावली बात नहीं करा करते, अपने आप पे न संभाल। देखे भगवान के आगे किसकी चल है भाई, जो होना था सो हो गया। इब तू आगे की सोच, और मेरी सलामा न ना तो दीपक ने ब्याह ले। अरे क्यों पाप का भागीदार बनाओ से दलीप, यो शराबी कबाबी किसकी पार गाल लगा? रे क्यों किसी के बालक में दुखा में फसावस है? सारी आन औली नहीं सोचा करते, जिम्मेदारी पड़े पक्ष है बड़े बड़े सो दर्जा से, और जब होड़िया शानी सुपात्र आ गई तो सारी ना बात ठीक हो जाएंगी, यो गलत संगत भी छोड़ देगा। ठीक से भाई, थारी न्यू मर्जी से तो न्यू कर लो। बेकरार दिल को कैसे संभालें कि सब्र की इंतहा हो गई है, उठा के पर्दाए हुस्न दीदार करा दो कि तेरे दीवाने की चाँख हो गई है। ये हंसी काम अपने हाथों से कीजिए, सुलगती दिल में मोहब्बत को अंजाम दीजिए। जलवाए हुस्न का दीदार ऐसे किया नहीं करते, पर्दाए हुस्न हटाने से पहले तोहफा तो दीजिए। भाई बहुत खूब। तो वो भीड़ भाड़ और चकाचौंध भरी शहर की जिंदगी, और कहां ये लहलहाते खेत और खिली हुई पीली सरसों। इस खूबसूरती को देखकर लगता है कि इन्हें निहारता रहूं। क्यों आप बिना किन टिपिकल बातों में खो गए, देखो कितना रोमांटिक मौसम है। ईसा से भगवान न्यू कर, इन चाबियां ना बहुत दे दे, इन का राज और इन का पाठ अपने ना आप संभालेंगे। ठीक कहो सो, ले बहु। और दिखे बेटी, न्यू ना समझिए कि हम अपनी जिम्मेवारियां तो बाजन लाग रहे से, जब तक हाथ पैर रहोगे कमावांगे। माँ या किसी बात करने लाग रही है माँ, इन चाबियां का हमने क्या करना है? मेरी माँ है ना, कोई बात है ना? हट ले बेटा। ईसा से बेटा, मारी दौलत है तमसो, हमने नहीं चाहिए थारी चाबी। हर एक बात और सुन, हम जावा सा बाजार में, सांस तक आ जाएंगे, घर का ध्यान रखियो। ठीक से? ठीक है। चल भगवान। हेलो। हाँ के प्रोग्राम है इबे? हटो जी। कोई कोने हटो जी। आ!
प्रताप कर माता सुन मेरे भाई, पल में बिगड़े वणी बनाई। सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम, किसा भरम। सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम, भाई किसा भरम। ललोट भाई, देखिए ध्यान से, ध्यान से ये भाई रणजीत, देखे दुख न भुलाने की कोशिश कर। मरना जीना तो मेरे यार ऊपराले के हाथ से, और जे तू इस हालत में घनी सी चिंता मान गया तो ठीक होने में बहुत दिन लग जाएंगे भाई। ठीक कहे भाई, ठीक से के बताऊं दलीप, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम तो समझा समझा थक लिए चाचा, आप पे समझाओ, मारी तो सुनते है ना भाई। देखे इन बालका की ओर ने देख, इन तेरा बहुत सारा से है, और तू है बोधी बात करेगा मेरे यार, तो इनका क्या हाल भाई। मर्द मानस ने इतना लंबा दुख शोभा नहीं देता। देखे किसाए मर जा उससे बिना सर्जन, इब तो तू दवा दारू लेके तावड़ा सा भला चंगा हो जा। देखे सब भाई तेरे मुंह के ने देखन लाग रहे मेरे यार, इसे में तो तू हंस मुस्कुरा है। देखे भाई बैठे तेरे मुंह के ने देखे, आज मुस्कुरा के देखा। मुस्कुरा के भाई आज के देखा होगा, इससे बात पहले नु चाय पिवा दे भाई, और गेला कुछ खान का भी लाइए भाई। आए चटोरे। मैं यो यार यो आया गरमा गरम चा लेके तगाचे तो ला बैठे। आरती रे सुने है के? हाँ जी। यो जगर गिलास भीतर ने दर दे, पांच छह कप चाय बढ़िया सी बना दे जी। न्यू बताओ, तेरवी भी होली, ई भी लोग किसके नाम का धरना देके आड़े बैठे से। देख भी आरती बात सुन, तेरा अम्मी होए थे के आदमी गाना देना बंद होया करे, और फिर जिस घर में इतना बड़ा हादसा हो रहा हो, उड़ा आस पड़ोस के लोग दुख दर्द में ना होंगे तो फिर कौन आओगा है? ये आस पड़ोस के लोग दुख दर्द में ना आते, ये तो ठाली से है, ठाली बैठे ने बाना चाहिए से सिर जोड़न का। इन्हें बेरा से दुख दर्द के बाने अच्छा तो उक्का मिल जाएगा और अच्छी मिल जाएगी चाह पीने। फालतू बात ना करे अगर आरती, तू समझदार है फिर भी, जल्दी जा और चाह बना ले। और सुने दो गोसे आरे मिला दिए कि यो एक काम से के मने सवेर की 65 बे तो चाह बन ली और 250 गोसे फूक दिए। आहिस्ते बोल, कोई सुन लेगा तो के कहेगा? सुनेगा तो सुन लेन दे, सुबेर का इतना तो इंधन फूक दिया, और के चौमासिया के मैं अपने आड़ बाड़ूंगी। बात सुन, घनी बोली है घनी, भीतर ने जाकर चुपचाप चाह बना ले, ना तेरे आड़ा ना रंग दीवा। आई है चौमासे वाली। तो आज जनाब का मूड ऑफ है। मेरे ते बात मत करे। सोना जानू, ओए सबेर याली बात, तब इबती नाराज है। इब रात होली, इब प्यार जतान लग गया, दिन में तो मेरे बड़े आड़ रंगे था। रे तू बात तेजी कर रही थी जब उठ गया छो। ओहो तेरा छो तो न्यारा हो लिया, जो पड़ोसिया की बात पे अपनी घराली पे उतरे से, तने शर्म तो नहीं आती होगी जानू। हेलो इब जान भी देना है। देखे आज पाछे मेरे ते इस तरिया पेश नहीं आ जाएगा, मेरे बाबू ने कदे मेरे ते पानी भी नहीं मंगवाया था, पर हाड़े ढूंढ में आके मने गोबर तक पाथिया से। बता कि मैं इंसान ना हूँ, कदे चा बना कदे आग बना, कि मेरे में जीना है। मेरी बात सुन ले, आज पाछा आड़े कोई फालतू मानस नहीं आ जाएगा, नहीं तो छोड़ चढ़ के चली जाएंगी। हेलो हेलो, छोड़ देगी मने? नहीं चल, सॉरी मांग। सॉरी ए बावली की तेगी।
चल सो जाइ। भाई रणजीते बस मोहरी कसूत भीड़। अच्छा। और ताऊ झंडू चढ़ गया बस में और उसने देखा कितने सीट नहीं और जो तीन आली सीट हो से ना उड़े देखा तीन छोरी बैठी कॉलेज आली सच्चे और उन्हें देखा अरे सूत बैठ सके है बोला सरक ये बेटी थोड़ी सी छोरी सरक गई। अच्छा। और ताऊ बैठ गया और पांच चार खड़िया में ताऊ ने सारी जगह बना ली पूरी बैठने की सच्चे और ताऊ चौड़ा होकर बैठ गया। अच्छा। और बिचली छोरी थी ना वो बच गई नूनू करके और खड़ी होगी। बोला ताऊ जी आप हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो आप लोग लेते हो हम लोगों की जगह पे बैठ जाते हो हम लोगों की भी कुछ हैसियत है आप लोग हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो हम लोग रणजीते रेल बना दी। अच्छा। ताऊ को उठा छो बोला ए छोरी चुप अरे डाट रहा बस ने जे ये लोग हो गए ताम ते न्यू मुछे ने बनाया अंडा सा के हंगामा मचा रखा सा अड़े भरी दोपहर में भी थमने कि ठिकाना नहीं मिलता के यो बुड्ढा तो पड़िया सा ठाली थार तो भी और कोई काम ना सके जे कोई आराम करना चाहे तो थम उसने आराम नहीं करन देते खी ला रखी से चलो चलो खड़े हो लो अड़े ते आ जा से ठाली किते के एक बात सुन लियो हाड़े आन की कोई जरूरत ना से ना तो अपनी बेइज्जती करा के मानोगे चलो ई उठ लियो चलो अड़े ते निकलो सुनता कोनी के उठ ले चल अड़े ते अरे सत्य अरे इन खबरों ने भीतरे भीतरे गोट के पियोगा कम ने भी सुना होगा है मेरे यार हमने भी सुना दे दो बात की यार इसे अरे सुनू हाँ भाई फोटू दलीप प्याली छोरी का नहीं से अरे हम भाई यो तो वाकई में दलीप वाली छोरी से और के लिख रखा क्या बता तो सही पट गए भाई इसका नाम और गांव का नाम भी लिख रखा से पूरे अच्छा? जिले में फर्स्ट आई से अच्छा इसने तो गांव का नाम रोशन कर दिया भाई। अरे भाई सुंडू हाँ यो तो मेरे यार पार्टी का आट हो गया और चाल दलीप ताई खबर देंगे भला ये मुंह ना तो धोले फिर इतने मुंह तो ठेके पे धोवांगे चल फिर आ यार सुंडू एक बात तो है हाँ अक दुनिया का हाय छोरा आग लाग रही है कती लाग रही है भाई और चौधरी रणजीत ने देख उसकी आज के रे माटी हो रही है ठीक है सब और चौधरी दलीप की छोरिया ने पूरे हरियाणा में आज नाम रोशन कर दिया दलीप का अति नाम रोशन कर इसे छोरिया ने पुक्के गेर के ना भाई है? कोई देख उसका बुढ़ापा खराब कर दिया ठीक है सब भाई सुंडू आज तक पार्टी करड़ी लेंगे कत्ती ठोक कर लेंगे भाई ठेके बचा लेंगे अरे दिलीप आजा भाई आजा राम 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 भाई राम राम आ भाई कुंडू और दिलीप अरे बड़े मौके पे आए भाई के बात बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनानी थारे ते खुशखबरी तू अपनी बात करे से अरे सारे गांव में रुक का पाट रिया अच्छा और बेटी रितु का फोटो अखबार में छप रिया ओहो हे राम हे भगवान अरे पारो आइए एक बार क्यों भाई बात देने क्यों रुक के मारे से अरे तेरा मुंह तो मीठा करवा दू कोई गुड़की डलिया खवा दू कम से कम है मेरे यार हमने कूतरू ला रहा तू हमने पड़खने पड़ा और क्या चाहिए भाई हमने काली गेटी आली की शक्ल देखे घने दिन हो लिए और चुप चला ठेके का ना हो ले भाई भाई खुशी का मौका से पार्टी तारी पक्की बड़ी पार्टी दूंगा थारी हाजरत भी मंजूर मैं कई दिन तो बाहर जा रहा था कुंडू अच्छा बात ना जब के बात होगी हाँ बस न्यूए रणजीते का ख्याल से आ रहा था तुम गए हो के ज्ञान से उसका दलीप रणजीत भाई का तो हाल ना बुझे तो बढ़िया ऐसे भाई के भया रे रणजीत की उसके छोरी ने और उसकी बहू ने खराब माटी कर रखी से भाई हमारे भाई रणजीत का बुढ़ापा खराब कर दिया भाई बुढ़ापा खराब कर दिया भाई दलीपे
तू भी मत जाइए उधर। हम दोनों गए थे, हमारी गैला तो बहुत बुरा व्यवहार करा भाई उस बहू ने। हम तो शर्मा शर्मी कुछ बोले कोना, भाई रणजीत की इज्जत का ख्याल था। अच्छा भाई हम चला सा। जाए ते सरेगा रणजीत। ओ रणजीत, बेटे रणजीत से कोने आड़े कोना हैं? ये या खासन की आवाज आन लाग रही, मने दिशा लागे जनु भाई भीतरे हो। हाँ हाँ भीतरे से, क्यों मारा जीना आराम कर रखा से, जी लेन दे हमने, बस लेन दे मने सारा बेरा से, यो गाम हमने बसता देख कती राजी को ना। बेटे गाम ते तुमने बसता देख के खूब राजी से, पर मेरी समझ में न्यू नहीं आता आकाश तू बोलन क्यों करला। ठीक बोलू सु, हम तो सो ठाली, पर मेरी एक बात सुन लो, आज पाछे आड़े नहीं आ जाओगे, नहीं तो अपनी बेइज्जती कराए भी नहीं जाओगे। आज ऐसे खाम खाचा पीन ले। आरती पेश लेगी एक बार ले। के बात रे इवती नाराज है के है रे, इव तो मान जा मेरी पान की दुगी है 24 घंटे इव जा इव तो। हटो देखो बाहर कोई आया, जाओ। जब भी थोड़ी बहुत बात बन लग गया है कोई ना कोई टपक जाए है। अरे यो बेरी तो गाड़ी समेत टप गया है, जाओ ये मेरे यार। जी कहिए। आप दीपक हो ना? जी हाँ। क्यों बेटा? मैं करण शर्मा। करण शर्मा वो जी? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे पिताजी नजर नहीं आ रहे? जी वो बैठक में है, मिल लो। ठीक है। करण शर्मा चाचा। रणजीत चौधरी, रणजीत रे के हाल मेरे भाई? रे करण। हाँ चौधरी रणजीत, तेरा छोटा भाई करण। किसा चौधरी करण भाई? चौधरी तो उसने कया करे से जो खेत में एक मुट्ठी फेंक के अरे एक बोरी नाज काट लिया वजह, जो अपनी दो टाइम की रोटी या टाइम भी किसे का मोहताज से, वो किसा चौधरी करण है, वो किसा चौधरी। के बात भाई रणजीत, मेरा शेर जैसा भाई आज किसी बात करे से, तन्ने कोई तकलीफ हो मन ने बता, बहु बेटे तेरी सेवा करे से। ना करण भाई, मेरे बहु बेटे तो लाखा में एक से, मेरी बहुत सेवा करे से। भाई दिखन लाग रही से मने जीसी तेरी सेवा हो है, तू अपने भाई ने कती पागल ला रहा है? ल्या मैं बुझूंगा इनते। वाह बेटा वाह, खूब नाम रोशन करे अपने माँ बाप का, तुम जानो सो तुम किसकी औलाद सो? उस आदमी ने तो इंसान बनान तई अपनी सारी जिंदगी कोयले की तरह भट्ठी में झोंक दी, और वो आदमी आज हमने अकेला छोड़ दिया। मत बोलो, जो काम आए सो करन वो करके अपने घर ने चालो। वाह बेटा वाह, खूब नाम रोशन करया था हमने। चाचा। के चाचा? तने के जरूरत थी उसके शैमी बोलन की? तन्ने के जरूरत थी उसकी मेर लेन की? भीतर ना चाल। अरे आरती, तू ये बैग में अपने कपड़े क्यों गालन लाग रही है? तन्ने ना बेरा, जब कोई बैग में कपड़े गालिया करे से तो उसका मतलब वो है से वो कितने जा से। जानू
सोना, पर तू कि चली? अपने घरा जाऊंगी। घरा? क्यों? क्योंकि तने ना बेरा वो बुड्ढा कितनी बेइज्जती करके गया से। उस बुड्ढे ने कितने मुंह दिखानता ही छोड़ दे साम। मानस मानस आगे मारी बेइज्जती करन लग रहा से। अरे फिर के बात हो यार थी? बड्डे शाने कह दिया करे है? हाँ हाँ, तन्ने के फर्क पड़ा से मेरी इज्जत बेइज्जती का। मैं तो जाऊंगी। आरती आरती मान जा, इस बैग वैग के चक्कर ना छोड़ दे, और मैं पिताजी ने समझा लूंगा। तू उस बूढ़े ने समझा या ना समझा, मन ने फैसला कर लिया से। कहते इस घर में बूढ़ा रहेगा या रहूंगी मैं। भाई जमा बावड़ी है, थोड़ा दिमाग तक काम ले आरती, दिमाग ते। मतलब यो के इबे जमीन की कागजी कार्रवाई का निपटारा ना होया है, बस जैसे ही जमीन का निपटारा हो जाएगा मैं बाबूजी का भी किमी न किमी रा करे दूंगा। समझी? समझ गई। सॉरी बोल। सॉरी। जमा बावड़ी है। ले खा ले, ठूस ले इसने। पड़िया पड़िया पूजन लग रहा से। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मैं जागन गोर वकी मन की।
बदन में मेरे लावगी मेरा जो बन से बन मोल रे पपी हाँ बेरी न्यू मत बोल रे जुल्मी बाग में है न्यू मत बोल रे गजबी ओ कोई काटड़ा बेकाऊ अरे है क्या कोई काटड़ा वाटड़ा कोई काटड़ा बेकाऊ ओ भी आ काटड़े आले हाँ बहन जी अच्छा मारे से काटड़ा बिकाऊ रुक क्या आते गया भाई आ जाने बहन जी खामखा क्यों मजाक कर रही हो यहाँ ना तो कोई भैंस ना कोई काटड़ा एक बात बता काटड़ा किसने क्या करा तू मैं कुछ समझा ना हूँ मेरा मतलब काटड़ा उसने तो कहता होगा जो ठाली पड़ा खाए जैसे जिसका रोज का खर्चा हो और जिसका कोई भविष्य ना हो उससे ने तो कहता होगा तू काटड़ा पर के आ जा भीतर ने भीतर से काटड़ा आ जा देख यो के काटड़े थे कम से हमारे घर में तो यो ऐसे काटड़ा जो पड़िया पड़िया रोज का सेर नाच खा जैसे और जिसका रोज का खर्चा हो अरे काटड़ा तो फिर भी कच्चा पक्का खा लेंदा होगा पर इस बुड्ढे ने तो रोज का पका पकाया चाहिए मारा जीना मुश्किल कर रखा सा इस बुड्ढे ने इसने ले जा तू इसका किमे देंदा हो तो दे दियो और ना देंदा हो तो ना दियो मारे बुजुर्ग की पूरी उम्र पशु खरीदन में गुजर गई और मैंने भी जब तक होश संभाला से पशु खरीदे से कतई कोई मानस नहीं खरीदा हे मेरे अल्लाह ये तूने कैसा दिन दिखाया है लो बहन जी पूरे 10,000 से गिन लो चल बाबा आज तो तेरा खूटा बदल गया से चल मेरे साथ चल मने तो बी रही ना था यू सड़ियल बूटा भी 10,000 रुपए में बिक जाएगा
कुछ कहना चाहो सो? सिर्फ पूछना चाहू सो बेटा, मैंने सुना से आदमी के शरीर के भाग भी बिक जा सा, लेकिन यो अपाइज तो इस लायक भी नहीं। फिर तो न मेरे जिसे आदमी ताई कि तो मैं तेरे ताई खाटे का सौदा तो नहीं सु। बेटा शब्द का महत्व क्यों हो सर? ये किसे अनाथ और पूछो? आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं अपने बहुत पहले का जानू सू। जब मेरी उम्र 10 साल थी, जब मैं अपने दोस्त महफूज के साथ आपके गांव में काटरे खरीद गया था। ले भाई धीरे, लो भाई आओ, भाई आ जाओ बैठो। अरे सत्यवान है, पत्तल लेगा भाई? ले आया भाई, धर पत्तल, खाना खवा बालका ने। ले तू भी भाई। हाँ तो बेटा, के नाम से तेरा? जहीर। और तेरा भाई? महफूज। ठीक से। अरे सत्यवान है कि मैं खाने भी ले आऊंगा भाई। ले आऊं भाई, लो भाई लो। और बेटा कोई बड़ा नहीं थारी गल्ला, तुम एकले हो। चलो भाई खाओ खाना। हे भगवान, आज अल्लाह ताला ने मिलाए भी थे किस रूप में? आप मेरे तेन पूछो थे ना कि मैंने यो कोई घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया? नहीं, मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं करे। आज इस कसाई जहीर ने तो बहुत फायदे का सौदा करे से। आज इस अनाथ ने उसका बाप मिलया से, उसका बाप बाड़क पड़ते लेके आज तक सुनता आया था। अबू से अम्मी से वो किसे हो से देखे नहीं कदे। आप हिंदू सो, मैं मुसलमान सू, मैं अपने अपने घर ले जाना चाहूं सू, आपकी सेवा करना चाहूं सू। आपने कोई एतराज तो नहीं? किसी बात करे से बेटा, मेरी हालत तो उस गाय जिसी से जिसने इस्तेमाल करके सड़क पे धक्के खाता ही छोड़ दे से। इस तरह के जानवर ने कोई दो टाइम का चारा डाल दे। चल अब्बू घर चलेंगे। आ गए जी आप, आज इतना टाइम कित लगा दिया? अरे तू मेरी छोड़, आज बाबूजी ना दिखे मने। के करेगा उस बुड्ढे का, इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़वाया से। आरती के मतलब? आरती मतलब यो ऐसा कि मन्ने वो बूढ़ा एक कसाई थे पूरे 10,000 में बेच दिया। बाबूजी यो यो तने क्या करया? समझाई थी ना मन्ने, तू दिखा दी ना औरता वाली हरकत। सही कही है किसी ने, इन औरता की कल गुद्दी पाछा हुआ है, गुद्दी पाछा है। सबर ने होया तेरे पे, कई दिन तेरे इंतजार कर लिए, के बिगड़ जाता तेरा। ईसा के कर दिया मने, क्यों मेरे पे इतना गरम हो रहा था?
बावली औरत, 10,000 के चक्कर में बताना पूरा 2 करोड़ रुपया का नुकसान करा है। 2 करोड़ रुपया का? 2 करोड़ रुपया का? वो किस त्रिया मंत्र तक ही थी ना, कागजी कार्रवाई पूरी होने दिए, बाबूजी के साइन रह रहे हैं, साइन होने दिए तेरे जी? आपने तो क्या था, पूरे साइन हो लिए। मैं तहसीलदार को ना एक और फर्रा मेरे हाथ में थमा दिया, साइन करवा के ला। हाय, यो की कर दिया मैंने, मैंने तो नुकसान कर दिया। जीवो का साई ले गया बूढ़े ने साइकिल पे बिठा के, देखो गाड़ में होगा, जाओ। देखो सु बैठ जा, गाड़ में होगा। क्या करिया, सारा नाश कर दिया, कंधा कला होगी। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला। अब्बू ये है हमारा गरीब खाना। जरीना, अरे ओ जरीना, आ गए आप? अरे ये कौन है? अरे जरीना, आज से यही हमारे अब्बू हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे सब कुछ। अब्बू ये हमारी बेगम हैं। आदाब। अरे जरीना एक चद्दर लाओ फटाफट। अभी लाई। आज से इसे अपना ही घर समझो। हाँ ये लो। जरीना आज से अब्बू भी हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ हाँ मैं सब समझ गई, अब और कुछ ना कहो। इस घर में हमारे सिर पे किसी बुजुर्ग का हाथ ना था, इनके आने से हमें हमारे अब्बू मिल गए। इनकी सेवा करके हमें इनका प्यार और दुआ दोनों मिलेंगे और हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्यों अब्बू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे अब बातें ही करती रहेगी या खाने पीने का कुछ इंतजाम भी करेगी? जा। हाँ हाँ अभी लाई। अब्बू तुम्हारी आंखों में पानी? नहीं बेटा, मैं तो यूं सोच रहा था लेड़ वाला वो से तो डेढ़ वाला भी वो ऐसे, और तेरे और जरीना के रूप में मेरे तो बेटा और बेटी दोनों दे दिए। आज मैंने दोनों मिल के बेटा, दोनों मिल गए। अब्बू आज एक वादा करो, आज के बाद तुम रोगे नहीं। जरीना सुनो, जरीना अब्बू हिंदू से और शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया करें, उन्हें किसी प्रकार का बुरा ना लगना चाहिए, समझ गई ना? मैं सब समझ गई। ठीक है ठीक है। चाची चाची हम तो कति बर्बाद हो गए। चाची मरते बहुत बड़ी गलती होगी, हमने माफ कर दे। हमने अपना ससुरा कित कित ना टोया, पर वो हमने कितने ना मिला। चाची हमने सिर्फ ही बाप का सहारा से एक बे मौका दे दियो, एक बे मारे ससुरे ते मिलवा दियो। हम तो ढूंढ ढूंढ के छिक लिए। क्यों इसे यार है? ससरा ना चाहिए तुमने, तुमने चाहिए 2 करोड़। 2 करोड़ चाहिए तुमने, 2 करोड़। आई ससरे आली, इसी ससरे आली होती तो तू लू करके दिखाती। हमने तो थारा नाश कर दिया, नाश कर लिया हम तो थारे जो आई फिर। मंजू के बाबू घर आए ना नू नहीं बोलिया करती। चुप रह, आई से बारे साली, अब तू भी कान खोल के सुन लिए। हमने नहीं बेरा तेरा ससुरा कित से,
और बेरा होता ना जब भी नहीं बताते हम तने ससरा ससरा। देखे वो जीतता मरता जड़े भी होगा थारे तो अच्छा ही होगा। लेकर जब दुआरी थे चली जा मारे घर में दोबारा तेरा परछावा भी निपटना चाहिए। यो तुमने क्या कह दिया आ गए आप? हाँ जी आ गए। अब्बू को खाना खिला दिया क्या? हाँ हाँ अब्बू को खाना भी खिला दिया और चाय भी पिला दी। बहुत बढ़िया किया। एक बात बताओ हुँ? वो आपके ही अब्बू ज्यादा है क्या? हमारे भी तो अब्बू है वो। ओए होए होए जरीना आज तो बहुत हसीन लग रही हो। कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? चलो कुछ तो शर्म करो। क्यों? अब तो आप भी अब्बू बनने वाले हैं। मैं अब्बू बनने वाला हूँ? जरीना तुम अम्मी मैं अब्बू फिर से कहो जरीना फिर से कहो। हाँ हाँ आप अब्बू बनने वाले हैं। मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। परसों के बाद तूने हमारी ये मुराद पूरी की। अब्बू हमारे घर में फरिश्ता बन के आए हैं। जब से उनके कदम इस घर में पड़े हैं अल्लाह ताला भी हमारे ऊपर पूरा मेहरबान है। अब वो तो बेट ठीक से ना? जिसका तेरे जिसा सेवा करनिया बेटा हो वो कदे बीमार रह सके से? ठीक से ना अबू? एकदम ठीक सू बेटा। बेटा जहीर हाँ मैं तेरे ते एक बात करना चाहूँ सू। वो जो जमीन वाला पैसा से उसमें तो तू अपने लिए भी कुछ रख लेता तने मेरी इतनी सेवा करी से बेटा तेरे प्रति भी तो मेरा कुछ फर्ज से। ना अबू ना जमीन का पैसा तो ट्रस्ट का पैसा से जिसते अम्मी के नाम पर वृद्ध आश्रम बन लग रहे से और आपने 1 तारीख ने उद्घाटन भी करना से। मैं जमीन के पैसे में तो 1 फुटी कोड़ी भी नहीं लूंगा। जब जब लोग इस कहानी का जिक्र करेंगे सब जहीर ने खराब आदमी बताओगे। सही कुछ देर की बात तो आपकी दुआ अब्बू मैंने सब कुछ मिल गया सर। अल्लाह ताला ने मेरी सारी मुराद पूरी कर दी अब्बू सारी मुराद पूरी कर दी। जब ते आपके मुबारक कदम इस चौखट में पड़े से अल्लाह ताला खुशियां खुशियां बरसाने लग रहे से। आप दादा बनने वाले से अब्बू दादा। हे मेरे परमात्मा हे मेरे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र से। बेटा जहीर तेरा बेटा भी तेरे जिसाई संस्कारी हो है और बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बने मेरे बेटे बहुत बड़ा अफसर। किसी बात करे से यार दली हम इस माटी में माटी हो गए अपने बालका की रेरे बाटी ढूंढने करवाएंगे। अपने छोरे ना अफसर बनाऊंगा अपने छोरे ना अफसर बनाऊंगा अब्बू 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 क्या सोचने लग गए थे? कुछ नहीं बेटा। ना अब्बू सब करमा का चल कुंडू। हाँ भाई भाई दोरो चल आए। हाँ भाई चल चल ना के देख वो आए गया भाई दलीप हम तो तेरे दोरे आन लाग रहे थे। मेरे दोरा? अरे यार घने राजी दिखो से तुम के बात भाई
भाई रणजीत का बेरा पाट गया। रणजीत का बेरा पाट गया। रणजीत का बेरा पाट गया। भाई रणजीत, अरे ठीक थे सबो? भाई कती ठीक से। और देखे भाई ने सेना भाभी के नाम बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनवा दिया और पूरे गांव में कार्ड बटवा दिए और तेरा तो भाई हम खुद ले आए कार्ड और पहली तारीख ने उसका उद्घाटन से। अच्छा रे। हाँ। हे राव, हे प्रभु, तेरी माया। भाई ठीक ठाक आ गया, तुमने बहुत बढ़िया खबर सुनाई। चलो इब नहीं रुक क्या जाता, चल आगे भाई। भाई हाँ इब भैया। श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सब भाइयों का स्वागत। यह संस्था उन मजबूर बुजुर्गों ताई बनाई गई से जिनको खुद अपने बसाए घर में जगह नहीं मिलती और जिनके अपने सगे अजीज बोझ समझन लाग जा से उनने। आज आप जैसा के देखते हैं समाज में वो समय आ गया है कि माँ बाप तो 10 बालका का पेट भरते से पर 10 बालका तक माँ बाप का पेट नहीं भरा जाता। मैं चौधरी रणजीत सिंह, जो इस संस्था के प्रधान भी हैं, उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया और प्रार्थना करता हूं कि मंच पर आकर वो इस संस्था को विधिवत समर्पित करें। भाई रणजीत, श्रीमती निर्मला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज इस वृद्ध आश्रम की स्थापना करी है। यूं तो इस देश के किसी न किसी कोने में रोज कोई ना कोई संस्था किसी न किसी स्कूल का, किसी वृद्ध आश्रम का, किसी अनाथालय का रोज निर्माण करवावे से, पर हरे थोड़ा सा फर्क से श्रीमती निर्मला देवी किसे मसाले बनाने वाले सेठ की पत्नी नहीं थी और ना ही किसे उद्योगपति की माँ थी। या निर्मला देवी तो इस साधारण किसान रणजीत सिंह की पत्नी थी। वो बदनसीब औरत थी जिसने शादी के कुछ समय के बाद अपने पति इस रणजीत सिंह ते एक कंठी की गुहार करी थी। आज जिसके नाम ते इतना बड़ा वृद्ध आश्रम बनन लाग रहा से, यो बदनसीब जीते जी उसके लिए कंठी भी नहीं बनवा सका। इसका मतलब यो नहीं कि मैं नकारा था, जुआरी था, शराबी था। हमारी गलती तो बस इतनी थी कि हम सिर्फ अपनी औलाद के लिए जिए, अपने बारे में तो हमने कदे सोचा ही नहीं। और आज उस औलाद ने हमें हरा दिया। लेकिन इसके बाद भी जब इतने दिना के बाद मैं अपने बेटे ने देख रहा हूं तो मेरा जी करे से इसने गले तो लगा लू। शायद यो मारे हाथ में ही नहीं से, या ये तुम्हारी ममता से। लेकिन आज यो मारा बाप बेटे का मसला नहीं रहा से, आज यह बात मारे घर तक लिकट ली। आज यो हजारा परिवार का मसला बन गया से। आज इस रणजीत सिंह ने अपने बेटे को माफ कर दिया तो गालिया कहानी फिर दोहराई जाएगी, फिर कोई रणजीत सिंह बेघर हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पूरे होश हवास में अपनी संपत्ति तर अपनी जिंदगी तर अपने बहू और बेटे को बेदखल करता हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने दूसरे बेटे जहीर के ताई भी कुछ कर सकूं, जिसने खून का रिश्ता नहीं होने के बाद भी जो मेरे लिए करया से, उसका बदला तो शायद मैं इस जन्म में कभी भी नहीं उतार सकता। लेकिन एक जिम्मेदारी तो आज इसने लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से मेरे जैसे उपेक्षित बुजुर्ग की सेवा करण की। मैं आज इस संस्था का, इस वृद्ध आश्रम का, इस ट्रस्ट का संचालक जहीर को नियुक्त करता हूं।
सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम किसा भरम सबकी कहानी लिखी लिखाई किसा भरम भाई किसा भरम।